हेलो दोस्तों, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इस फैन का दोस्तों बैकअप टेस्ट दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों मेरे पास जो 7 AH की बैटरी है, नहीं दोस्तों ये 8 AH की बैटरी है, आप देख पा रहे हो। इससे दोस्तों मैं आपको बैकअप टेस्ट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कितना टाइम बैकअप देती है, लाइव टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। इस फैन को दोस्तों मैं चलाऊंगा, ये दोस्तों 24 वाट 12 वोल्ट है, 12 वाट 12 वोल्ट, ठीक है ना। अगर दोस्तों ये 1 घंटा चल गया फैन, तो ये समझ लेना ये जो छोटा वाला फैन है ये 2 घंटा चलेगा। अगर ये 2 घंटा चल गया तो समझ लेना ये 4 घंटा चलेगा, ठीक है ना। तो आपको आइडिया से पता चल जाएगा कौन सी बैटरी से कितना बैकअप देगी ये फैन, ठीक है ना। आज इस छोटी सी बैटरी से आपको दिखाऊंगा, आपके पास जितना एज की बैटरी है उतना से आप कैलकुलेटर कर लेना कितने घंटा आपकी बैकअप देगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बैटरी से मैं बैकअप टेस्ट करने वाला हूँ। ये दोस्तों नया बैटरी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 से 3 महीने हुआ है इस बैटरी का। नया बैटरी है, 8 AH की बैटरी, आप देख पा रहे हो इधर, ठीक है ना। 8 AH की बैटरी, 12 वोल्ट, और ये UPS की बैटरी है। और दोस्तों ये मैंने सोलर से चार्ज किया, देख सकते हो अभी फुल चार्ज है। आपको कैसे पता चलेगा ये फुल चार्ज है दोस्तों, आप देखो इस सोलर से मैं चार्ज कर रहा हूँ। मेरे पास जो 50 वाट का सोलर पैनल है उससे मैं चार्ज कर रहा हूँ। इधर देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है सोलर का इंडिकेट, ये दोस्तों तभी ब्लिंकिंग करता है जब ये फुल चार्ज होता है। कब क्या इंडिकेट करता है ल्यूमिनस कंट्रोलर, देख पा रहे हो ये जो कंट्रोलर है ना, कब क्या इंडिकेट करता है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। आपने आप देखना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये अभी बैटरी फुल चार्ज है इसलिए सोलर का ब्लिंकिंग कर रहा है, देख पा रहे हो आप, ठीक है ना। बाहर सोलर रख के आया हूँ, आपको दिखा देता हूँ, देख पा रहे हो ये गया वायर, देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये रहा सोलर, धूप में रखा हूँ, फुल चार्ज हो चुका है अभी। तो अभी चलते इसको बैकअप टेस्ट करने वाले हैं, तो देख पा रहे हो, चलिए इसको मैं निकल देता हूँ। ये फुल चार्ज हो चुका है 100%, ठीक है ना। तो अभी करने वाले हैं इस फैन का बैकअप टेस्ट, बड़े वाला फैन का, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों टाइमर मैं इस बड़े मोबाइल से करूँगा दोस्तों, ये बड़े टैब से, तो अच्छे से आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको टाइमर स्टार्ट करूँगा और बैटरी को लगा कर आपको दिखाता हूँ। तो ये 8 AH की बैटरी है, आप देखना, ठीक है ना, 12 वोल्ट 8 AH बैटरी। और चलिए इस छोटे फैन को मैं चलाऊंगा नहीं, बस इस फैन को चलाऊंगा। तो दोस्तों चलिए मैं इसको फटाफट करता हूँ चालू। ये रहा इस मोबाइल को, मैं टाइमर को स्टार्ट करूँगा, पहले इसको लगा दूँ, कहाँ गया ये रहेगा। तो देख रहे हो फैन हो गया चालू, अब चलिए मैं कर देता हूँ टाइमर को स्टार्ट, ठीक है ना। टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है और फैन भी चालू हो चुका है, अब देखते हैं कितना टाइम चल पाएगा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है, ये रहा बैटरी और ये रहा फैन, देख पा रहे हो काफ़ी स्पीड से घूम रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इस फैन का। तो अब बारी है इसको देखने की, तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 30 मिनट हो चुका है, अभी भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फैन को मैंने ऊपर उठा दिया, ये रहा बैटरी और ये रहा, देख सकते हो 30 मिनट के ऊपर हो चुका है और काफ़ी अच्छे से घूम रहा है। और कितना टाइम चलेगा चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये फैन चलते हुए पूरे हो चुका है 1 घंटे, आप देख पा रहे हो 1 घंटे पूरे हो चुका है, देख रहे हो ना। अभी भी लग रहा है दोस्तों 1 से 1.5 घंटे अभी भी चलेगा ये फैन, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा देर से चल रहा है, स्पीड भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। 1 घंटे पूरे हो चुका है आपने देखा, और अभी भी चल रहा है सेम स्पीड, थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हो और कितना टाइम चल पाती है, तो वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो इसका स्पीड काफ़ी कम हो चुका है, देख रहे हो हवा अभी भी दे रहा है काफ़ी अच्छे से, लेकिन स्पीड थोड़ा सा कम हुआ है, पहले जैसा चल रहा था उतना स्पीड नहीं है अभी। 1 घंटा 30 मिनट हो चुका है, 1.5 घंटे, ठीक है ना। और दोस्तों जो बैटरी होता ना वो 75% बस हम यूज़ कर पाते हैं, इन्वर्टर से आप यूज़ करेंगे तो 75% आप एसी वोल्ट का यूज़ कर पाएंगे, लेकिन डीसी वोल्ट में ऐसा नहीं होता है, 75% से ऊपर आप यूज़ कर पाएंगे। डायरेक्ट आप चला रहे हो लाइट फैन तो आप यूज़ कर पाओगे, लेकिन स्पीड कम हो जाएगा। 75% के ऊपर आप चार्ज चला गया तो ये स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बैटरी का 75% से ऊपर चार्ज चला गया इसलिए इसका स्पीड भी कम हो चुका है। 75% यूज़ करने के बाद इन्वर्टर ऑटोमेटिक बंद कर देता है, एसी वोल्ट में ऐसा होता है दोस्तों, लेकिन डीसी वोल्ट में 75% से ऊपर हम चला पाते हैं इसका, इसलिए स्पीड कम हो जाता है। लाइट आप चला रहे हो या आप फैन चला रहे हो डायरेक्ट, तो ऐसा होता है, तो ठीक है ना। तो आपकी बैटरी के हिसाब से आप बैकअप देख लेना, ठीक है ना। ये 8 AH की बैटरी से दोस्तों 1.5 घंटे की बैकअप मिली, अगर 16 AH की होती तो 3 घंटे की बैकअप मिलती, अगर दोस्तों 24 AH की बैटरी होती तो 4.5 घंटे की बैकअप मिलती, अगर दोस्तों 32 AH की बैटरी होती तो लगभग 6 घंटे की बैकअप मिलती, ठीक है ना।
मेरे हिसाब से, मैंने जो दिखा है आपको लाइव टेस्ट करके, मेरे हिसाब से दोस्तों इतना बैकअप आपको मिलती। आपके बैटरी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना कितने की बैकअप आपको मिलेगी इस फैन से, 24 वाट की फैन से। तो वीडियो बाद इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो पर।